सच के साथ। रोहनिया थाना क्षेत्र के कन्नाडांडी स्थित ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पर गुरुवार रात करीब 8 बजे बाइक सवार बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कछुआ रोड क्षेत्र के ठठरा तमाचाबाद निवासी राजेश जायसवाल उर्फ खन्ना घटनास्थल से 200 मीटर दूर भदवर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती सास के लिए खाना लेकर जा रहे थे। इस बीच बाइक से पहुंचे बदमाशों ने रोका और सीने में ताबड़तोड़ गोली उतार दी। राजेश जायसवाल लाल रंग की बाइक से घर से झोले में खाना लेकर निकले थे। कन्नाडांडी स्थित ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पर पहुंचे होंगे, तभी बदमाशों ने रोका और सीने में गोली मार दी। राजेश के सीने और बाएं हाथ में 4 गोली लगी। घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। घटना के कुछ देर बाद एनएच पर गिरे राजेश जायसवाल को उनके एक परिचित ने पहचान लिया। उसने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। मौके पर रोहनिया पुलिस पहुंची और राजेश को लेकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंची, जहां उन्हें मृत बता दिया गया। पुलिस को मौके से 4 खोखे मिले हैं। घटनास्थल पर एसपी ग्रामीण अमित वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज पांडे व अन्य अधिकारी पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि ओवरटेक कर सीधे गोली मारने के बजाय रोक कर बातचीत के दौरान गोली मारने की आशंका है। हो सकता है कि हत्या करने वाले परिचित रहे हों। अगर ओवरटेक कर सीधे गोली मारी गई होती तो गिरने से चोट के निशान भी मिलते। राजेश के शरीर पर केवल गोली के निशान मिले हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम की जांच व पुलिस की छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना में एक या दो बाइक से बदमाश थे, इस बात का पता किया जा रहा है। अभी फॉरेंसिक टीम आई है हमारी, उन्होंने तीन से चार खोखे जो है वो मौके से अभी कलेक्ट कर रहे हैं। तो 3 से 4 गोलियां जो है इसको खोखे मौके से मिले हैं। बाकी एग्जैक्ट जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। सर कोई फुटेज वगैरह? अभी फुटेज के बारे में देखिए जानकारी की जा रही है। रात का समय है, आसपास कुछ बिल्डिंग है और उसमें निश्चित सीसीटीवी कैमरे पता चला है कि लगे हुए हैं उनके, जो क्योंकि बंद हो गई हैं वो फैक्ट्रीज वगैरह, उसके ऑनर को बुलाया जा रहा है, उसमें छानबीन की जा रही है। सर किसी प्रकार का मामला, कोई विवाद? अभी देखिए अभी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन जो ये जो देखने में लग रहा है कोई रंजिश का ही मामला लग रहा है, क्योंकि 3-4 गोलियाँ उनको मारी गई हैं, तो मारने के उद्देश्य से ही कोई उनके पीछे लगा है। सच के साथ।